मौजूदा समय में ज्यादातर जगहों पर इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए दिए जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स एक टेक्नोलॉजी है जिसमें लाइट के जरिए डेटा ट्रेवल करता है, लेकिन एलन मस्क का स्टारलिंक इससे अलग है। सैटेलाइट से इंटरनेट देने का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से एलन मस्क ने इसकी प्लानिंग की है, आने वाले समय में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका बदल सकता है। स्टारलिंक में फाइबर ऑप्टिक्स नहीं होगा, बल्कि यहाँ डायरेक्ट सैटेलाइट से लोगों को इंटरनेट मिलेगा। इसके लिए एलन मस्क अपनी स्पेसएक्स कंपनी के फेल्कॉन रॉकेट के जरिए एलओई सैटेलाइट भेज रहे हैं। 2019 से ही स्टारलिंक के सैटेलाइट को भेजा जाना शुरू कर दिया गया था। एलन मस्क का टारगेट ये है कि दुनिया के हर कोने में इसके जरिए इंटरनेट पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है। एलन मस्क का प्लान टोटल 12,000 एलओई सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने का है। फिलहाल लगभग 1700 सैटेलाइट भेज दिए गए हैं। अमेरिका के कई जगहों पर स्टारलिंक की सर्विस यूज की जा रही है। बीटा टेस्टिंग के दौरान जो स्पीड कंपनी ने दावा की वो अचीव कर ली गई है। ट्रेडिशनल सैटेलाइट के मुकाबले स्टारलिंक के सैटेलाइट धरती के करीब 7 टाइम्स नजदीक होंगे, और इसी वजह से यूजर तक कम लेटेंसी के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचेगी। आप सोच रहे होंगे लेटेंसी का क्या मतलब है? सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाने में जितना वक्त लगता है उसे लेटेंसी कहा जाता है। इसे मिलीसेकंड्स में मेजर किया जाता है। जितना कम एमएस उतनी कम लेटेंसी। इसे आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। एलन मस्क ने ये खुद कहा कि कम दूरी में स्टारलिंक की सर्विस फाइबर ऑप्टिक्स की लाइट से 40% ज्यादा फास्ट होगी। फाइबर ऑप्टिक्स की अपनी लिमिटेशंस हैं। हर जगह फाइबर केबल पहुंचाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ऐसे में जहां फाइबर नहीं है वहां स्टारलिंक की सर्विस काम करेगी। भले ही स्टारलिंक की रीच फाइबर इंटरनेट के मुकाबले ज्यादा होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके प्लान्स सस्ते होंगे, क्योंकि स्टारलिंक प्रोजेक्ट में एलन मस्क ने काफी निवेश किया। 12,000 सैटेलाइट भेजने का प्लान है, इसलिए कंपनी यूजर्स से मोटे पैसे भी प्लान के लिए लेगी। अमेरिका में इसकी टेस्टिंग हो रही है और वहां प्लान जारी कर दिया गया है। कंपनी ने दावा किया कि हाई स्पीड और कम लेटेंसी के साथ अनलिमिटेड डेटा यूजर्स को मिलेगा। डिवाइस की बात करें तो आपकी छत से आसमान दिखाई देना जरूरी है। सैटेलाइट से एंटीना और फिर एंटीने से आपके घर पर लगे राउटर तक इंटरनेट जाएगा, जहां से आप इसे यूज कर सकते हैं।